अलैकुम जी, मैं हूँ दुर्गा मेहमान। आज मेरे घर में मजलिस है, आप देखते हैं हर साल की तरह। तो आज आफा सिद्दीकी जी मेरी तरफ आई है और इनके साथ मेरा एक बहुत गहरा ताल्लुक है, इनकी वालदा, इनकी पूरी फैमिली के साथ। और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, बड़ी इज्जतमंद है और बड़ी मानी है। तो मैंने कहा कि आपने आना है तो आप देख रहे हैं कि मैं सीखने की कितनी। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे सजा में बुलाया, इससे बड़ी तो कोई सादत ही नहीं है। और वाला ये सादत आपके नसीब में लिखी है तो आपका मकाम बुलंद है। और आप सलामत रहें, मेरी दुआ है आपके लिए, आप बड़ी प्यारी बहन। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप माशाल्लाह, आज आपको पता है कितने इज्जतमंद लोग हैं और बहुत ही लगन से ये लोग आए हैं। जगह कम हो गई है लेकिन लोगों की कमी नहीं हुई। मौला मुश्किल खुश आए लेकिन मानने वाले हम लोग, आमीन कबूल करें परवरदिगार। और आज बड़ी अच्छी बाजी ने, आज बड़ी अच्छी न्याज बाजी ने कहा। मैं बचपन से आ रही हूँ उनकी न्याजों पे और ये शुरू है। और जाहिर सी बात है, हमारे जो लोग हैं, जो जितने भी मोमिनीन हैं, जितने भी मोमिनात हैं, वो सब आते हैं, इकट्ठे होते हैं, तमाम लोग मजलिस से ज़ा करते हैं, न्याजों का अहतमाम करते हैं। उसके बाद ही हम नवासे रसूल के लिए जो यहाँ पर पढ़ा जाता है उनको गुस्सा देने के लिए तमाम लोग इकट्ठे होते हैं। और जो हमारे शहदाए करबला हैं उनको गुस्सा देने के लिए, इमाम हुसैन के लिए और उनकी औलाद के लिए, तमाम सहाबा के लिए और उन्हीं पूरे ख़ानदान के लिए हम इकट्ठे करते हैं और तमाम मजालिस का इंतज़ाम करते हैं। इसमें बाजी की जो मजलिस है हमेशा 9 मुहर्रम को होती है और इतना अरसा हो गया, अल्लाह ताला इनको मौला इसी तरह सलामत रखे और इसी तरह ये तमाम करती रहे और मौला का ख़ास करम बाजी पर रहे। और है माशाल्लाह बड़ी अच्छी मजलिस कराती है हर साल और तमाम अकीदतमंद जो हैं वो आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं कुछ पता नहीं। और इतना बड़ा लंगर करती है बाजी और बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। ज़िक्र बैत होता है, तमाम सहाबा को, तमाम लोगों को याद किया जाता है यहाँ बैठ के, तमाम हुसैन हसन और नवासे रसूल जो कलमा को बचा के इस्लाम को इस्लाम की बका के लिए जो सब कुछ किया उसके लिए इकट्ठे होते हैं यहाँ पर तमाम हाजरीन और तमाम इकट्ठे होकर यहाँ दुआएँ करते हैं। मौला मुश्किल खुशा से अल्लाह ताला सबकी मनते मुरादें पूरी करते हैं और सबके घरों की मुरादें पूरी होती हैं। और मेरी भी 9वीं मुहर्रम के दिन यही दुआ है कि बाजी अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत अपनी जमान से हर साल आप करती रही हुई अपना लंगर चलाती रहे और अल्लाह ताला आपको इसी तरह मेरा मौला अपने जुमान में रखे पे बना आप अल्लाह ताला भी रहम करे। आमीन सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी दुर्गा मेहमान कि आज मेरे घर में मजलिस है और माशाल्लाह जितने कीर्तनमंद प्यार करने वाले सब लोग आए हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप देखिए कितनी नजर याद चल रही है, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, जो जो दिल से यहाँ पे दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी कबूल करे। और मेरे साथ में नादिया अली से बात करेंगे। जी नादिया जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि यकम मुहर्रम जो स्टार्ट हो जाते हैं वजह से और मैं आती हूँ हर दफ़ा कि जितनी बनते हैं समझे चलते चांदी के सोने के प्याज प्याले चाहते हैं और पाँच पहले पाके लिए अलग भी वो मनते हैं कि आप जब भी उठाते हैं शर्तियाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल से मेरे इसी घर से समझे रंग लग रहा है। मैं जब भी मंदिर उठाती हूँ अल्लाह तला राजनीति मौला हुसैन के सर के लिए हम लोग आते हैं
लंगर न्याज जो बाजी भी थी खोल के न्याज करवाती है। और जैसे सब माशाल्लाह सबको पता है कि इनके बारे में जितना कहने काम है शहादत के सबको अमन व ईमान के खास करके हमारे पाकिस्तान के लिए सामने पैदा करें और वो सुकून हमें मिले कि हमें उस के अलावा हम कोई गम ना बेच सकें। सबके करके जो जो उसी माँ ने सबके लिए सामने पैदा हो रही के लिए स्पेशल अलग उससे जिंदगी तो मुश्किल है। अगले साल हम ऐसे ही करते हैं सर इंशाल्लाह। सच्ची मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पी ए शाकिर आपसे मुखातिब है और मैडम दुर्गाना रहमान के घर पे माशाल्लाह महफिल पाक है मजलिस है। तो इन्होंने अभी फरमाया कि जगह कम हो गई है। मैं समझता हूँ कि जगह कम नहीं है, मैडम का जो दिल है बहुत बड़ा है, ज़र्फ जो है मालिक ने जो बख्शा है बहुत बड़ा ज़र्फ है और इनके मालिक की करम नवाजी इसी तरह इस घर पे रहे और इसी तरह रहमतें और बरकतें इस घर पे निछावर होती रहे। आप बिल्कुल परेशान ना हो माशाल्लाह, सब जितने भी मजलिस में लोग आए हुए हैं आराम से बैठे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से रोया करो जहरा के लाल पर जैसे हमारा अपना घर उजड़ जाए। अरे दीन बचा लिया जहरा की औलाद ने, अपना घर लुटा दिया। सात मुहर्रम को पानी बंद हुआ, दस मुहर्रम को अजान अली अकबर से अल्लाह की बड़ाई का ऐलान हुआ। दस घंटे में रसूल का कुछ नहीं बचा, दस घंटे में रसूल का सब कुछ उजड़ गया, अल्लाह का दीन बच गया। मेरा कासिम तसल्ली से पढ़ूंगी, ना ओनो मोहम्मद है ना अब्बास। सुनो की जुमला, करबला में एक मकाम ऐसा भी आया जब हुसैन ने 6 माह के अली असगर को आखिरी कुर्बानी के तौर पर पेश किया। फौज सरनगुर हो चुका है, असहाब के यतीम बच्चे, अब्बास के यतीम बच्चे हुसैन की आवाज को पकड़ के कह रहे हैं, मौला हमारे बाबा कब घर आएंगे। अलविदा अलफिराक का शोर बुलंद हुआ। अजादारों जब ये काफिला शाम पहुंचा, अल्लाह लानत करे यजीद पर, सभी कहो अल्लाह लानत करे यजीद पर। शिमर ने पूछा, ऐ यजीद और तूने करबला की सारी जंग देखी है कि? हाँ सारी जंग देखी है। तूने करबला की जंग में किसी मौके पर हुसैन को परेशान देखा है? अल्लाह दारों ये कातिल अल्लाह यजीद, मैंने हुसैन को अकबर के सीने से फर्शी निकालते देखा। मत करो मत, मैंने हुसैन को असगर की कब्र बनाते हुए देखा, मैंने हुसैन को ओनो मोहम्मद के लाशें ले जाते देखा, मैंने हुसैन को कासम की लाश टुकड़ों में चुनते हुए देखा, मगर मैंने किसी मौके पर हुसैन को परेशान नहीं देखा। हाँ यजीद एक वक्त ऐसा था जब मैंने देखा हुसैन के चेहरे का रंग बदल गया। लेकिन कहते वो कौन सा वक्त था? कमीना कहता जब हुसैन ने आखिरी सलाम किया। यार ज़ैनब छुड़ाया ना
बस एक दो मिनट की और बना लो, एक दो मिनट की और बना लो। अरमान